Morning students, in previous class we have already started with the chapter that is monumental architecture. In that we have discussed about the different monuments that were built at different period of time. Alag alag samay mein kis tarah ke monuments banaye gaye aur what were the things that were used to build that monuments. Today also we will discuss some other monuments that were built at different period of time. The monuments जो बने थे तुगलक साइट एंड लोदी के समय में उस समय भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने. उसमें से कुछ मॉन्यूमेंट्स मैं आपको बताती हूँ. यू कैन एंड बहुत सारे नेम्स हैं. यू कैन जस्ट गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक, अपने टेक्स्ट बुक से देख लेना आप लोग, ठीक है. तो उसमें से जो इन्होंने बनाया था वो था तुगलक बार फोर्ट, फिरोज शाह कोटला, बारा गुंबद एंड शीश गुंबद, द टोम ऑफ गियाजुद्दीन तुगलक. तो मतलब पता है मकबरा जो था गियासुद्दीन तुगलक का भी उस समय बनाया गया था इन दिल्ली, इन एंड अराउंड दिल्ली. दिस वर द मॉन्यूमेंट्स वो दिल्ली या दिल्ली के आसपास बनाए गए थे. नाउ टॉकिंग अबाउट द रीजनल किंगडम्स, अलग अलग जगह के जो राजा थे उन्होंने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए. दे वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. उनको भी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस थे एंड दे आल्सो बिल्ट मेनी मॉन्यूमेंट्स. जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ. अहमद शाह ऑफ गुजरात फाउंडेड अहमदाबाद एंड डेकोरेटेड इट विद ग्रैंड स्ट्रक्चर, ठीक है. अहमदाबाद को उन्होंने फाइंड किया और वहाँ पे उन्होंने भी उसको बहुत ज्यादा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए और यहाँ पे बहुत मतलब डेकोरेटिव बना दिया इस पर्टिकुलर सिटी को, ठीक है. In Gujarat, he was from Gujarat. Okay, the most famous among them is this was such a बहुत famous monuments या फिर structure बनाए गए वो थे जामी मस्जिद and Siddi Said Mosque. Some of the structures were Jama Masjid, Jahaj Mahal, Adina Masjid, Dakhil Darwaza, etc. और भी बहुत सारे हैं. You can go through your textbook. अपने textbook को एक बार read कर लेना. टॉकिंग अबाउट राजपूत किंगडम्स में भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, जैसे कि मेहरानगढ़ फोर्ट इन जोधपुर एंड फोर्ट ऑफ चित्तौड़. जो फोर्ट बनाया गया था चित्तौड़ में वो भी बहुत ही इंप्रेसिव स्ट्रक्चर था. देन राणा कुंभा जो थे उन्होंने भी कंस्ट्रक्ट किया विक्ट्री टावर एट चित्तौड़. नाउ टॉकिंग अबाउट द विजयनगर रूलर्स, तो विजयनगर के रूलर्स थे, दे ऑल्सो बिल्ट ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर. उन्होंने भी बहुत सारे सुंदर स्ट्रक्चर्स बनाए, एस्पेशली टेम्पल्स. ज्यादातर टेम्पल्स बनाए गए है ना अलग अलग जगहों पर. एट हम्पी द विट्ठल स्वामी टेम्पल, द विरूपक्ष टेम्पल, हजरा राम टेम्पल है ना, ये सारे टेम्पल्स भी बनाए गए. दे आर फाइन टेम्पल आर्किटेक्चर. टॉकिंग अबाउट बहमनी के जो सुल्तान थे दे ऑल्सो बिल्ट मैनी मॉन्यूमेंट्स. उन्होंने भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए, मदरसास आप लोगों को पता होगा जहाँ पे इस्लाम धर्म की किताबें पढ़ाई जाती है, ठीक है, दैट इज मदरसास. एंड टोम्स भी बनाए, टोम्स आपको पता होगा, मकबरा. सम फेमस मॉन्यूमेंट्स आर, उनके समय का जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए उसमें से थे जामा मस्जिद एट गुलबर्ग एंड थ्री फेमस मॉन्यूमेंट्स भी बनाए गए एट बिदर, द जामी मस्जिद, द मदरसा ऑफ महमूद गवर एंड हिज टोम, और उनके टोम भी बनाए गए. नाउ टॉकिंग अबाउट द सक्सेसर ऑफ बहमनी, यानी बहमनी के बाद जो रूलर्स आए उन्होंने भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए, जैसे कि फोर्ट एट गोलकुंडा, मक्का मस्जिद, चार मीनार जिसमें चार गेट्स और चार मिनरेट्स हैं. मिनरेट्स आपको पता होगा जो फोर पिलर्स की तरह बनाए जाते हैं, जैसे ताजमहल में भी फोर मिनरेट्स हैं, ठीक है. तो उसमें से और भी चीजें उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए, दैट इज गोल गुंबज. अब गोल गुंबज क्या है, इट इज टोम ऑफ आदिल शाह का ये टोम है, मकबरा है. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल के पीरियड में भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर्स ग्रैंडर
स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर हुआ था वो मुगल के समय का. व्हाट वाज द रीजन कि वहां उस समय सबसे अच्छे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, उसके टू रीजंस थे. फर्स्ट थे देयर वाज स्टेबिलिटी इन द एंपायर व्हिच एनेबल्स द एम्परर्स टू पे अटेंशन टू द आर्किटेक्चर. देयर वाज स्टेबिलिटी, राजा जो है एक लंबे समय के लिए राज्य कर रहा था, बार बार राजा नहीं बदल रहा था. जैसे अगर बार बार गवर्नमेंट बदले तो गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पाता है जब तक उसे कुछ समय नहीं दिया जाए, क्योंकि ये स्टेबल थे, स्टेबिलिटी थी एम्पायर की, इसकी इनकी राज्य की, ये राज्य बहुत समय तक की है, इसलिए स्टेबिलिटी थी इनके राज्य में. इसीलिए क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बना पाए. और सेकेंड है, मुगल्स हैड मोर फंड एट देयर डिस्पोजल टू स्पेंड ऑन मॉन्यूमेंट्स. मुगल के पास बहुत पैसे भी थे, है ना, इसलिए वो पैसे उन्होंने लगाए मॉन्यूमेंट्स बनाने में. सम ऑफ द फीचर्स, फीचर्स यानी बेस जिसके आधार पर ये मॉन्यूमेंट्स बने, उसमें से थे आर्च एंड डोम कंटिन्यू टू बी यूज्ड. आर्च और डोम, डोम मैंने कहा ना ऐसे शेप, आपने देखा होगा हर एक स्ट्रक्चर जो मुगल शासक के समय था या पहले के थे मोस्टली वो इस तरह से डोम शेप के थे. ठीक है, नाउ फुल डोम्स बिकेम कॉमन. फुल डोम शेप बनाया जाता था एनक्लोज इन ज्योमेट्रिकल गार्डन. ज्योमेट्रिकल गार्डन यानी एक तरह के सीरीज में प्लांटेशन करना, कोई ना कोई शेप दे. आपने देखा होगा कहीं कहीं गार्डन होता है ट्रायंगुलर शेप, उसके अंदर फिर सर्कल बना देंगे, इस तरह से कोई ना कोई लाइंस बना के उसको मतलब उसी के को बेस लेके भी शेपिंग करना. ठीक है, दैट इज ज्योमेट्रिकल गार्डन्स विद रनिंग वाटर, जहाँ पे वाटर भी फ्लो. फिर सम टोम्स एंड मॉस्क हैड मिनरल्स, बहुत सारे जो टोम थे मकबरा बनाए गए थे और मॉस्क बनाए गए थे उनके साथ मिनरल्स भी बनाए गए. रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल्स वर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन. रेड सैंडस्टोन यूज किया जाता था और व्हाइट मार्बल्स. मोस्ट स्ट्रक्चर्स वर डेकोरेटेड विद ज्योमेट्रिकल डिजाइन, बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स थे उसको डेकोरेट किया जाता था ज्योमेट्रिकल ट्रायंगुलर, है ना, रेक्टेंगल, इस तरह का शेप को लेकर डिजाइन बनाए जाते थे. नाउ कुरानी वर्सेस वेर एंग्रेव्ड ऑन सम, कई कई कुरान के वर्सेस भी एंग्रेव किए जाते थे, लिखे जाते थे. फ्यू बिल्डिंग्स, कुछ बिल्डिंग्स भी बनाए गए जाली, आपने देखो वो जाली पता है ना, उस शेप को लेते हुए ट्रेलिस वर्क वेर ऑल्सो डन, है ना. इस तरह से जो मॉन्यूमेंट्स का मेन फीचर्स था, इसी फीचर्स के बेस पर जो भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए मुगल के पीरियड में, यही बेस था. नाउ टॉकिंग अबाउट एक मुगल शासक का एक एक का हम डिस्कशन करते हैं इन अ वेरी शॉर्ट, एंड आप प्लीज उसको टेक्स्ट बुक को रीड कर लीजिएगा. पहला बाबर, बाबर इंट्रोड्यूस गार्डन पैलेस इन इंडिया, मतलब गार्डन पैलेस के अंदर गार्डन बना. ठीक है, ये मेन चीज बाबर ने ही इंट्रोड्यूस किया इंडिया में. He built palaces at Agra. उन्होंने पैलेस बनाया आगरा में, सिकरी एंड ढोलपुर में, and laid out many gardens around it. और उसके अराउंड बहुत सारे gardens भी इन्होंने बनाए. In Islam, इस्लाम धर्म में गार्डन को सिंबलाइज करता है, प्रतीक है पैराडाइज का, स्वर्ग का. ठीक है, जिसे एक तरह से स्वर्ग बोलते हो, पैराडाइज का प्रतीक होता है. He also built mosque. उन्होंने मॉस्क भी बनाया एट पानीपुर. टॉकिंग अबाउट हुमायूं, हुमायूं डिड नॉट बिल्ड मेनी स्ट्रक्चर, उन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स तो नहीं बनाए. हिज टोम इन दिल्ली, उनका जो टोम मकबरा बनाया गया दिल्ली में, वाज बिल्ट बाय हिज वाइफ, उनकी वाइफ ने बनवाया था, और उनकी वाइफ का नाम था हमीदा बानो बेगम. ठीक है, ड्यूरिंग अकबर से, अकबर के समय में ये मकबरा बनाया गया. नाउ टॉकिंग अबाउट सूर्स, बीच में सूर राजा जो थे वो भी राज किए थे, तो जो सूर्स के हिस्से उन्होंने क्या किया, दे कंटिन्यूड द आर्किटेक्चुरल ट्रेडिशन ऑफ मुगल्स, मुगल के आर्किटेक्चुरल ट्रेडिशन को भी इन्होंने फॉलो किया. शेरशाह का मोसोलियम यानी उनका टोम बनाया गया सासाराम में, दैट इज इन बिहार, बिहार में उनका टोम बनाया गया, एंड इट इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ अ लेक, लेक के बीच में ये मकबरा बनाया गया. नाउ पुराना किला वाज बिल्ट बाय हिम, पुराना किला भी इन्होंने ही बनाया है दिल्ली. नाउ टॉकिंग अबाउट अकबर, अकबर्स रेन यानी अकबर के समय में उन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चुरल डिजाइन पैटर्न को चेंज किया. उन्होंने किस
किस पैटर्न को फॉलो किया? पर्शियन, सेंट्रल एशिया एंड रीजनल स्टाइल को एक में मिलाकर एक नया आर्किटेक्चरल डिजाइन फॉर्म किया और इसी बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी बनवाए. दैट इज फतेहपुर सिकरी, अ न्यू कैपिटल दैट अकबर बिल्ट नियर आगरा. इट वॉज बिल्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन से बनाया गया. फिर आगरा फोर्ट, वो भी बहुत इंप्रेसिव स्ट्रक्चर था, ठीक है, जिन्होंने जो कि अकबर ने बनाया. नाउ टोम ऑफ हुमायूं, हुमायूं का टोम जो था, इट वॉज बिल्ट ऑन रेज प्लेटफॉर्म, ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाया गया एंड प्लेस इन द सेंटर ऑफ द गार्डन, और गार्डन के सेंटर में इस मकबरे को बनाया गया, ठीक है. ये भी रेड सैंडस्टोन से बनाया गया एंड हैज डबल डोम, ऊपर डबल डोम व्हाइट मार्बल से बनाया गया था, ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट जहांगीर, जहांगीर स्लोड डाउन, मतलब उनके समय में जो आर्किटेक्चरल जो मॉन्यूमेंट्स जो बनाए जाते थे वो कम होने लगे, उतना उन्होंने अपने समय में नहीं बनाया. ही बिल्ट टॉम ऑफ अकबर एट सिकंदरा, दैट इज इन आगरा. इट हैज गेटवे, गेटवे भी है, गेट है विद फोर मिनारेट्स, चार मिनारेट्स इन फोर कॉर्नर, चारों कॉर्नर में बनाए गए. फिर टॉम ऑफ इतिमर उद दौला, आगरा में ही टॉम बनाया गया बाय नूरजहां, नूरजहां ने बनाया. और ये जो इतिमर उद दौला का जो मकबरा था वो किसका प्रतीक था? वो इनके फादर के याद में, इन्होंने नूरजहां ने अपने फादर के याद में इस मकबरे को अपने फादर को प्रेजेंट किया, ठीक है. ये उनके फादर को, एक्चुअली फादर का टॉम था, ठीक है. इट वॉज बिल्ड बाय नूरजहां, ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास.